हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल मैन में। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था राजस्थान का परिचय, जो अपना फर्स्ट लेक्चर था ना, इससे जस्ट पहले वो राजस्थान का परिचय था। ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा अपना, इसमें हम बनाएंगे राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, राजस्थान का जो निर्माण हुआ किन किन चरणों से गुजरा था, कितने चरण टोटल हुए थे राजस्थान के निर्माण का। ठीक है, तो उनके लिए आज अपन इस लेक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, जो अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं राजस्थान के चरण का, उसमें क्या थे जो चरण के जो नाम होते हैं ना, उनको याद करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि सेकंड चरण में जो रियासतें शामिल हुई थी, ठीक है, उस चरण का नाम क्या था। चौथे चरण में जो रियासत शामिल हुई थी, उस चरण का नाम क्या था। तो उनको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है। ठीक है, ट्रिक क्या है, अरे भाई मत पूरा संयुक्त वरहत राजस्थान को, समझे, मत पूरा संयुक्त वरहत राजस्थान को। अपन कहते हैं ना, अरे भाई जोत के अंदर घी पूर, घी पूरना मतलब घी को बर्बादी तो कर रहे जोत में, ज्यादा पूर की तो बर्बादी, पर लिमिटेड ही पूरना है, ज्यादा थोड़ी ना पूरना है। ठीक है, तो यहीं पे अपन किसी भाई को कह रहे हैं, अरे भाई क्यों पूर रहा है अपने संयुक्त वरहत राजस्थान को, समझे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपन राजस्थान को जोड़ने की बात कर रहे हैं, अपन तो अभी एकीकरण करना चाहते हैं राजस्थान का, अलग अलग रियासतों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये भाई जो क्या कर रहा है, इसको पूर रहा है, जोत के अंदर पूर रहा है, तो अपन इसको मना कर रहे हैं, अरे भाई मत पूरा संयुक्त वरहत राजस्थान को। ठीक है, तो अब देखो अपनी ट्रिक क्या निकलती है, अपनी ट्रिक निकलती है यहाँ पे, मत का मतलब मत्स्य संघ। ठीक है, जो पहला चरण था उसका नाम था मत्स्य संघ। उसका जो ये मत्स्य संघ जो नाम पड़ा, जब ये इस समय जो रियासतें यहाँ पे शामिल हुई थी, वो हुई थी 18 मार्च 1948 को। ठीक है, ये पहली पहला चरण हो गया, उसका नाम भी पता चल गया। फिर जो दूसरा चरण था, उसमें जो रियासतें शामिल हुई थी, उसमें राजस्थान का नाम क्या क्या रखा गया था, पूर्व राजस्थान संघ। पू का मतलब पूर्व, रा का मतलब राजस्थान, पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, यह 25 मार्च 1948 को। फिर अपने पास आता है संयुक्त, तो फिर संयुक्त क्या राजस्थान लगा दो, संयुक्त राजस्थान, जो 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, उसके बाद में चौथा चरण आता है अपना, चौथा चरण उसका नाम क्या था, वरहत राजस्थान, वरहत राजस्थान, 30 मार्च 1949 को। उसके बाद में इन तीनों को जोड़ना आपको, संयुक्त वरहत राजस्थान नाम पड़ा था पांचवें चरण के अंदर। ठीक है, संयुक्त वरहत राजस्थान नाम वो पड़ा था आपका 15 मई 1949 को, संयुक्त वरहत राजस्थान पांचवें चरण में। ठीक है, ये हो गई अपनी ट्रिक। फिर जो लास्ट के दो चरण बचते हैं ना, वो आपको पता ही था, पहले लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है, वर्तमान स्वरूप में जो आया था ना अपना, अब राजस्थान अभी जो वर्तमान स्वरूप में, वो लास्ट वाला चरण था सातवां। ठीक है, वो तो 1 नवंबर 1956 को, और एक था छठा वाला जस्ट पहले जो चरण था राजस्थान संघ, वो 26 जनवरी 1950 को, जब अपना संविधान लागू हुआ था ना, उस समय छठा चरण हुआ था, मतलब राजस्थान का एकीकरण का। ठीक है, ये अपने राजस्थान के एकीकरण के बारे में हो गए। यदि आपको लास्ट के दो चरण याद करने में परेशानी हो रही है, तो उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बता दूँ एक और। ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे अपने यहाँ लिखा था ना, मत पूरा संयुक्त वरहत राजस्थान को, इसके आगे आप यहाँ पे क्या लगा दो, क्यूब लगा दो। ठीक है, क्यूब लगाने से क्या होगा, ये आपके पांच तो यहाँ तक हो गए, फिर एक राजस्थान इसके अंदर आ गया, फिर बचे दो, दो बचेंगे तो एक राजस्थान संघ, ठीक है, और एक वर्तमान राजस्थान, वर्तमान में जो राजस्थान है ना वो राजस्थान। तो एक लास्ट में जो दोनों नाम थे ना, वो क्या थे, राजस्थान ही थे, लेकिन इससे चट्टे वाले में तो संघ लगा हुआ था, लास्ट में जो सातवां चरण था उसमें राजस्थान हो गया था। ठीक है, तो ये आप ये वाली ट्रिक भी बना सकते हो, क्यूब लगा के आपके छठा सातवां भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे, निर्माण के चरण जो थे अपने राजस्थान के, उनके बारे में अब अपन देखते हैं। देखो चरण का नाम दे रखा आपको यहाँ पे, ठीक है, ये चरण के नाम है,
ये जो चरण के नाम हो गए, यहाँ पे जो रियासतें मिली थी तब उनका जो चरणों के नाम थे वो यहाँ पे हो गए। कौन सी रियासत मिलने पे क्या क्या नाम रखा गया था वो ये हो गया। आपको भी मैंने ट्रिक बताई थी, ये यहाँ पे डेट हो गई ठीक है, और ये शामिल होने वाली रियासतें ये है ठीक है। तो अब मैं आपको पहले इसको देखिए, आप यहाँ पे क्या है, जो स्वतंत्र मतलब राजस्थान के एकीकरण के समय कुल जो रियासतें थी वो थी 19 देसी रियासतें थी। जो तीन ठिकाने थे ना वो थे कुशलगढ़, लावा और एक नीमराना। जो लावा जयपुर में है और नीमराना जो अलवर में है, ये थे तीन ठिकाने, 19 देसी रियासतें, और एक था केंद्र शासित प्रदेश था एक, जो अजमेर मेरवाड़ा केकरी के नाम से भी जाना जाता है, अजमेर मेरवाड़ा केकरी क्षेत्र या अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश था उस समय राजस्थान का। ये टोटल ये इन रियासतों में, इस केंद्र शासित प्रदेश में और इन तीन ठिकानों में राजस्थान बटा हुआ था ठीक है। अब अपन प्रथम चरण में मत्स्य संघ जो था वो 18 मार्च 1948 को हुआ था, उसमें शामिल होने वाली रियासतें ये थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ठीक है। तीन रियासतें तो ये और एक था नीमराना ठिकाना ठीक है। इनके भी अभी ट्रिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में ठीक है। अभी आप इसको एक बार पढ़ लो, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको सुन लो, ताकि आपको नेक्स्ट जो ट्रिक पढ़ोगे ना उसमें आपको याद हो जाएंगे ठीक है। द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को ठीक है। इसमें बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा रियासतें वह कुशलगढ़ ठिकाना ठीक है, ये शामिल हुई थी। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एक इम्पोर्टेंट ये वाला ठीक है। प्रदेश के नाम में राजस्थान शब्द पहली बार जुड़ा ठीक है, कौन से चरण में जुड़ा? द्वितीय चरण में राजस्थान शब्द पहली बार जुड़ा था ठीक है। आपको यही देख लो ना, फर्स्ट में मत्स्य संघ है, सेकंड में क्या नाम आया था? पूर्व राजस्थान संघ। यहाँ पे राजस्थान आ गया ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया आपका भाई, आपका राजस्थान शब्द जो जुड़ा द्वितीय चरण में जुड़ा है ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन गया। फिर तीसरा चरण क्या है? संयुक्त राजस्थान ठीक है। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को ठीक है। ये जो तीन चरण थे ना तीनों, ये तीनों 1948 में हुए हैं ठीक है। बाकी ये डेट आप ध्यान रखना, 18 मार्च थी, फिर 25 मार्च थी इसकी, और तीसरे की 18 अप्रैल थी। अब देखो राजस्थान संघ जो था द्वितीय चरण में, राजस्थान संघ जो नाम पड़ा उसके अंदर उदयपुर रियासत मिल गई थी तीसरे चरण में ठीक है। जो तीसरा चरण का जो नाम था वो था संयुक्त राजस्थान, जो ट्रिक बताई थी आपको, मत पूरा संयुक्त, संयुक्त आ गया ना, मत का मत्स्य हो गया, पूरा का पूर्व राजस्थान हो गया, संयुक्त आ गया तीसरे में ठीक है। संयुक्त राजस्थान के अंदर क्या है? राजस्थान संघ प्लस उदयपुर रियासत मिल गई। फिर संयुक्त वरहत, अब आएगा वरहत चौथे चरण में, वरहत आ गया आपका, यह है 49 में होता, 1949 में ठीक है, 30 मार्च। चौथी और पांचवा चरण जो था 1949 में होते हैं, जो डेट थी वो आपको याद रखनी है। तो चौथा चरण में वरहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को हुआ था। अब इसमें देखो क्या क्या मिला था, जो संयुक्त राजस्थान था ना ये वाला तीसरा चरण जो था संयुक्त राजस्थान, उसमें ना जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर ये तीन ठीक रियासतें मिली। इसमें एक और रियासत यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बीकानेर ठीक है, ये चारों इसमें मिली हुई थी ठीक है। संयुक्त राजस्थान कौन सा हो गया? संयुक्त राजस्थान तो आपका ये हो गया ना पूरा, ये राजस्थान इसमें प्लस कर दो आप ये जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर, इसके अंदर प्लस कर दी, ये आपका वरहत राजस्थान बन गया ठीक है। और राजस्थान का गठन इसी तिथि को माना जाता है, 30 मार्च 1949, चौथा जो चरण था आपका 30 मार्च 1949 को ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बन रहा था, 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री, बाद में मुख्यमंत्री बना दिए गए थे, श्री हीरालाल शास्त्री जी ठीक है। अब पांचवा चरण देखो, पांचवा चरण क्या है? संयुक्त वरहत राजस्थान ठीक है, इन तीनों को मिला के ठीक है। जो ऊपर वाले जो जितने भी चरण थे ना सब वो सब मिल जाएंगे अब इस संयुक्त वरहत राजस्थान में, मतलब वरहत राजस्थान बन जाएगा। फिर देखो क्या होता है यहाँ पे, वरहत राजस्थान तो ये हो गया। अभी जो मत्स्य संघ था ना इनमें किसी में मिला हुआ नहीं था, ये मिला था पांचवें चरण के अंदर, वरहत राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ का विलय हो गया, वो संयुक्त वरहत राजस्थान बन गया था 15 मई 1949 को ठीक है। ये हो गए आपके पांच चरण शुरू के। फिर जो छठा चरण था वो आता है राजस्थान संघ ठीक है, वो 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू हुआ था
ठीक हो, संयुक्त बृहत राजस्थान में सिरोही जिला, सिरोही रियासत, सॉरी ना जिला नहीं, सिरोही रियासत जो थी ना वो मिल गई थी संयुक्त बृहत राजस्थान के अंदर, ठीक है इसके अंदर, लेकिन किसको छोड़ के, आबू व दिलवाड़ा तहसील को छोड़कर पूरी सिरोही रियासत छठे चरण में संयुक्त बृहत राजस्थान के अंदर मिल गई थी, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होने पर इस राज्य को विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया गया था, ठीक, विधिवत रूप से इसको राजस्थान नाम दे दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। छठा चरण कंप्लीट, फिर रहेगा अपना अंतिम चरण, सातवां चरण, जिसमें आज अपना राजस्थान है वर्तमान स्वरूप में, वह सातवां चरण कहलाता है। यह कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का सातवां चरण हुआ था, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल हुए थे? इसमें देखो राजस्थान संघ जो छठा चरण था ना, पहले वाला छठा जस्ट इसके पहले, उसके अंदर अजमेर मेरवाड़ा, आबू व दिलवाड़ा, ये रियासतें आपकी राजस्थान संघ में मिलकर वर्तमान स्वरूप के राजस्थान का निर्माण हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और था, मध्य प्रदेश का जो सुनेल टप्पा था ना, वह भी इसके अंदर मिल गया था, ठीक है। लेकिन अपने झालावाड़ राज्य का सिरोज सेत्तर को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। यह एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, उसकी सिफारिश के अनुसार इस सातवें चरण का स्वरूप दिया गया था राजस्थान को, ठीक है। उसके अंदर जो ये रियासतें मिली ना राजस्थान संघ में, अजमेर मेरवाड़ा, आबू और दिलवाड़ा तहसील, वह मध्य प्रदेश की सुनेल टप्पा, ठीक है, वो राजस्थान में मिल गए अपने। और जो झारखंड का सिरोज क्षेत्र है ना, उसको मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। ये जो सातवां चरण पूरा कंप्लीट हुआ, ये हुआ है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार हुआ है पूरा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अपना ये चरण हो गया, अब अपन देखते हैं कौन से चरण के अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी, अपन ट्रिक के साथ देखते हैं अपन, ठीक है। अपनी फर्स्ट ट्रिक आती है यहाँ पे, जो अपना था मत्स्य संघ, ठीक है। मत्स्य संघ में जो शामिल होने वाली रियासतें थी ना, वो आपको मैंने अभी पहले बताया था, उसकी ट्रिक है ABCD, ये याद रखना आप ABCD, और एक आपको ये याद करने पड़ेगा नीमराना ठिकाना था इसके अंदर शामिल होने वाला, ठीक है, मत्स्य संघ के अंदर 18 मार्च 1948 में। ए का मतलब अलवर हो गया आपका, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली, डी का मतलब धौलपुर, वह एक नीमराना ठिकाना, ठीक है। ये आपके चार तो रियासतें और एक ठिकाना आपका मत्स्य संघ के अंदर शामिल हुआ था, ठीक है। अब जो दूसरी ट्रिक अपनी, उसमें है राजस्थान संघ, ठीक है। इसमें देखो ट्रिक बनती है अपनी है, ये 25 मार्च 1948 को, ठीक है, ये डेट याद रखनी है आपका, दूसरा चरण राजस्थान संघ नाम पड़ा था, पूर्व राजस्थान संघ, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक भी बढ़िया लगी है ना, देखो मेरी बीबी के प्रताप ने किशन और कौशल्या को साथ में देखकर झालावाड़ में ठोक दिया, वैसा भी इसको ठोक दिया झालावाड़ के अंदर, है ना, माइंड मत करना, ट्रिक है ना, इसको गलत नहीं सोचना आपको। देखो मेरी बीबी के प्रताप, मेरी बीबी के प्रताप ने ना किशन और कौशल्या को ना साथ में देखा, वैसा उन्होंने कहाँ पे, झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ में देख दिया, तो वैसा प्रताप को आ गया गुस्सा, फिर उनको ठोक दिया, ठीक है। तो ये देखो अपनी ट्रिक क्या निकलती है यहाँ पे, बी बी मेरी बीबी, पहला तो हो गया बी का बांसवाड़ा, दूसरा बी का हो गया आपका बूंदी, ठीक है, जो प्रताप, प्रतापगढ़, ठीक है, किशन, किशन को और कौशल्या को साथ साथ में देखा ना, तो किशन का किशनगढ़, कौशल्या का कुशलगढ़, ठीक है, ठीक है, साथ साथ में किशन कौशल्या को का कोटा, ठीक है, एक जो कुशलगढ़ है ना वो ठिकाना है, कुशलगढ़ ठिकाना, को का कोटा हो गया, साथ तो ये सा का शाहपुरा, ठीक है, ये शाहपुरा ध्यान रखना ना, शाहपुरा रियासत, साथ में देखकर झालावाड़ में ठोक दिया, झाड़ियों में ठोक दिया या झालावाड़ में ठोक दिया, कुछ और भी बना सकते हैं, झाड़ियों में ठोक दिया, ठीक है, साथ में देखा तो यहाँ पे झालावाड़ में ठोक दिया, झालावाड़ आ जाएगा, ठीक है। ठोक, ठोक का टोक कर दो या ठगी जी का टी टा कर दो, तो टोक हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना याद आपको। दूसरे चरण में जो रियासतें शामिल हुई थी ना, उनके नाम आपको ठीक से बड़े कंप्लीट याद हो गए हैं आप, अभी इसको आप वापस देखना एक बार हो तो आपको ये भी कंप्लीट याद हो जाएंगे,
ठीक है, अब नेक्स्ट अपन तीसरे चरण के बारे में देखते हैं। ठीक है, तीसरे चरण में नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। ठीक है, संयुक्त राजस्थान था, उसके अंदर राजस्थान संघ में मिला दी गई थी, उदयपुर रियासत मिल गई थी। ठीक है, तीसरे चरण के अंदर फिर उसका नाम पड़ गया था संयुक्त राजस्थान। ठीक है, इस रियासत जो मिली थी ना, उसमें जो उद्घाटन करने वाले थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसमें संयुक्त राजस्थान का जब निर्माण हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और आपको मैं थोड़ा एक और बात बता दूँ मत्स्य संघ के बारे में, इसका मत्स्य संघ नाम कैसे पड़ा? इसका मत्स्य संघ नाम जब इसलिए पड़ा, इस क्षेत्र को, ये क्षेत्र थे ना जितने भी निर्माण नहीं है, इन सभी क्षेत्र को महाभारत के काल से मत्स्य प्रदेश कहते थे। ठीक है, तो इस कारण इसका मत्स्य संघ पड़ा। और इसकी जो राजधानी थी ना उसमें, वो अलवर रखी गई थी, और राजस्थान संघ की राजधानी इसके अंदर कोटा को रखा गया था। ठीक, राजधानी कोटा थी। ठीक है, और जो संयुक्त राजस्थान थी उसमें राजधानी उदयपुर को रखा गया था। ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया मैंने। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपनी चौथा चरण का। ठीक है, उसमें नाम था वरहत राजस्थान। ठीक है, वरहत राजस्थान में आपका संयुक्त राजस्थान था, और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है, ये चारों रियासतें इनके अंदर और मिल गई थी। इस समय ना जो अपने गृह मंत्री थे, आपको पता तो पहले, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। भारत राजस्थान जब चरण सम मतलब पूरा कंप्लीट हुआ, उस समय सरदार वल्लभ भाई थे, वही इनके रहते हुए चरण कंप्लीट हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, अब आपको एक और बात बता दूँ, जो जोधपुर है ना अपना, ये रियासत है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है, ध्यान रखना इसका यहाँ पर। ठीक है, और सबसे छोटी रियासत जो थी क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सी थी? वह शाहपुरा थी। ठीक है, शाहपुरा नाम से थी, जो भीलवाड़ा में आता ना, वो वाली रियासत थी। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं पांचवा चरण, उसमें नाम था संयुक्त वरहत राजस्थान। जो ये बड़ा इम्पोर्टेंट अक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए, ठीक है, क्योंकि जो मत्स्य वाली जो थी ना अपनी, मत्स्य संघ जो था, वहाँ की जो रियासत थी वो अभी तक मिली भी नहीं थी, है ना, इनको मिलाना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे एक विवाद चल रहा था मत्स्य संघ की जो रियासत थी ना, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये रियासतें मिलना नहीं चाहती थी। तो आपको मैं बता दूँ, भरतपुर और धौलपुर रियासत थी ना भाषाई आधार पर ना यूपी में जाना चाहती थी। ठीक है, जो आपके मत्स्य संघ की जो रियासत थी वह यूपी में जाना चाहती थी, भरतपुर और धौलपुर, जो अपन ने भी पहले पढ़ा था ना, आपको मैंने बताया था मत्स्य संघ के बारे में। और जो अलवर और करौली जो थी वो जरूर मिलना चाहती थी राजस्थान के अंदर, वो भी ऐसे डिसमिस थे। तो फिर क्या हुआ, जो अपने पटेल जी थे ना, 13 फरवरी 1949 को पटेल जी ने ना मत्स्य संघ के जो शासक थे ना उनसे बात की, और उनको पता चला इस बारे में कि अलवर करौली राजस्थान के साथ मिलने को राजी है, लेकिन भरतपुर धौलपुर रियासत बसाई आधार पर यूपी में जाना चाहती थी वो। ठीक है, फिर सरदार जी ने क्या, उनकी राय जान ली सबकी, कौन सी किस में मिलना चाहती है, कौन किस में मिलना चाहती है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, 1 मई 1949 को इन सबको मिला दिया गया था भरत राजस्थान के अंदर, फिर 15 मई 1949 को इनका निर्माण हो गया। ठीक है, 15 मई 1949 को इनका निर्माण हो गया था। अब छठा चरण देखते हैं, छठा चरण जो उसमें नाम था राजस्थान संघ था, जो डेट थी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 मतलब अपना संविधान लागू हुआ था उस दिन राजस्थान नाम दे दिया गया था। ठीक है, संयुक्त वरहत राजस्थान के अंदर मिला दिया गया था किसको, सिरोही रियासत को, किस किस को छोड़कर, आबू व दिलवाड़ा तहसील को छोड़कर बाकी पूरी सिरोही रियासत को संयुक्त वरहत राजस्थान में मिला दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है अपनी इसके अंदर सातवां चरण जो था 1 नवंबर 1956 को, ये वर्तमान स्वरूप में राजस्थान इस नाम से भी जानी जाती है, लास्ट चरण। ठीक है, ये अपना अंतिम चरण था राजस्थान के एकीकरण का, इसके अंदर राजस्थान संघ था छठे चरण का, उसके अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, इसको अपन अजमेर मेरवाड़ा केकरे के नाम से भी जानते हैं, जो आपको अभी टेबल में बताया था ना वो वापस बता रहा हूँ आपको, कंप्लीट याद हो जाएंगे ना। फिर उसके बाद में एक आबू, ठीक है, एक दिलवाड़ा, फिर एक सुनेल टप्पा। ठीक है, ये चीज़ किसके अंदर मिला दी गई थी, इन रियासतों को
राजस्थान संघ के अंदर मिला दी गई थी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है ना राजस्थान एकीकरण के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी, कौन सी रियासत, कुछ सम इम्पोर्टेंट है उनको आपको बता दूं मैं। यहाँ पे राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता ना, वो दिया जाता सरदार पटेल को। सरदार पटेल जी को दिया जाता है राजस्थान एकीकरण का। ठीक है, श्रेय 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना हुई थी राजस्थान की 1 नवंबर 1956 में हो गया था ना, वर्तमान स्वरूप में आ गया तब से स्थापना दिवस का मनाया जाता है। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, टोंक जो राजस्थान में नहीं मिलना चाहते थे, ये जो वो रियासतें थी जो राजस्थान के अंदर नहीं मिलना चाहते थे। ठीक है, ये रियासत ध्यान रखना इनका। ठीक है, टोंक व जोधपुर जो रियासतें थी ना एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, ये दोनों रियासतें कौन सी, टोंक और जोधपुर। जोधपुर जैसे आपको बताया ना सबसे बड़ी रियासत है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये भी पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहती थी। तो फिर क्या हुआ, जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह जो थे जिन्ना से मिलने के लिए दिल्ली गए। ठीक है, दिल्ली गए थे, वहाँ पे क्या हुआ, बीपी मेनन, हनुवंत सिंह जो महाराजा थे जोधपुर के, दिल्ली में थे ना, उनको बहाने से वायसराय भवन में, वायसराय थे ना पहले अपने माउंट बेटन जो था उनके भवन में ले गया वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे मजबूरन हनुमंत सिंह को राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, फिर ये जोधपुर रियासत थी, उन्होंने साइन कर दिया, फिर ये अपने राजस्थान के अंदर मिल गई। जोधपुर के साथ साथ फिर जैसलमेर भी थी वो भी मिल गई, फिर ये टोंक वोंक इन सबको ऐसे मतलब रियासतों को शामिल कर दिया गया था अपने राजस्थान के अंदर। भारत में केवल टोंक जो राजस्थान में, पालनपुर जो अपने गुजरात में, ये दो मुस्लिम रियासतें थी, केवल दो रियासत थी जो मुस्लिम थी ना। अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी कंप्लीट हो गए, अब अपन लगाते हैं क्वेश्चन आंसर सेट, जिससे आपने जो भी आवाज पढ़ा है उसका वो कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा अपना वापस। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आंसर लगाते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, टोटल 7 चरण थे। ठीक है, पहले चरण का नाम क्या था, ट्रिक बताइए ना आपको, मतपुरा संयुक्त वृहत राजस्थान को। अरे भाई, मतपुरा संयुक्त वृहत राजस्थान को, मत मतलब पहले में मत आ रहा था, मत मत्स्य संघ। ठीक है, 18 मार्च 1948 को, ये याद रखना आपको, पहला था 18 मार्च 1948, दूसरा कब था 25 मार्च 1948, वापस तीसरा चरण कब था 18 अप्रैल 1948। मतलब जो 3 चरण थे ना शुरू के वो 1948 में थे, फिर बाद में जो दो दो चरण आएंगे नेक्स्ट वाले 1949 के अंदर आएगा। पहला 30 में आएगा, 30 मार्च को आएगा, फिर 1 15 मई को आएगा। ठीक है, फिर लास्ट के 2 चरण थे, एक स्वतंत्र मतलब अपना संविधान लागू हुआ था उस समय, और एक 1 नवंबर 1956 में, ये टोटल 7 चरण हो जाएंगे, इनकी डेट भी आपको याद हो जाएगी ना ऐसे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश के नाम में पहली बार राजस्थान शब्द कब जुड़ा, कब जुड़ा था, पहला राजस्थान आया था ना मत पूरा, पूर्व राजस्थान, राजस्थान आ गया ना उसमें चरण के नाम में, तो समझ लो आपका राजस्थान शब्द जुड़ गया। तो दूसरे चरण के अंदर आपका राजस्थान शब्द जुड़ गया था, क्या डेट थी 25 मार्च 1948। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम चरण में शामिल होने वाली रियासतों के क्या नाम थे, क्या नाम थे आपको बताई थी ट्रिक मैंने, प्रथम चरण में मत्स्य संघ के अंदर शामिल होने वाली एबीसीडी और नीमराणा ठिकाना, एबीसीडी नीमराणा ठिकाना। देखो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत हो गई, और नीमराणा ठिकाना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, राजस्थान राज्य को विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया था, विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया था, जब अपना संविधान लागू हुआ था ना 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन इसको विधिवत रूप से राजस्थान नाम दे दिया गया था राजस्थान राज्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य को राजस्थान नाम कौन से चरण में दिया गया था, जो राजस्थान नाम दिया गया था ना विधिवत रूप से, कौन से चरण में दिया था, कौन से चरण में दिया था आपने, छठे चरण में। ठीक है, जो 26 जनवरी 1950 को हुआ था उस चरण के अंदर इसका नाम दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदयपुर रियासत राजस्थान संघ में कब मिली थी, कब मिली उदयपुर रियासत, मिली थी ना तीसरे चरण के अंदर मिली थी, पहले में तो एबीसीडी हो गया और दूसरे में वो मेरी बीबी के प्रताप ने, हाँ वो देख दिखवा के उसको ठोक डाला, अब तीसरे में आ गई उदयपुर। ठीक है, तो ये आपकी उदयपुर तीसरे में, तीसरे चरण में मिली थी आपकी,
क्या डेट थी तीसरे चरण की? 18 अप्रैल वाली, ठीक है, 18 अप्रैल 1948। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आयोग की सिफारिश पर आबू दिलवाड़ा तहसील अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिला या गया था? ठीक है, जो सातवां चरण था ना वो हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर। ठीक है, ये आपको याद रखना कंप्लीट। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सातवां चरण हुआ था। ठीक है, ये आपको याद करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वरहत राजस्थान और मत्स्य संघ के विलय को क्या नाम दिया गया था? वरहत राजस्थान, आपको पता ही है ना, वरहत राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाने के लिए सरदार पटेल जी ने कितने पापड़ बेले बेचारों ने। हाँ, मत्स्य संघ के जो राजा होते उनके पास मिलने गए, उनको इधर उधर, अरे भाई तुम मिलना चाहते हो नहीं मिलना चाहते हो, हाँ उनको बोला कौन सी रियासत नहीं मिलना चाहती, बड़ा पापड़ बेले, मतलब उनको बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क था। तो इनको मिलाने के बाद में एक वरहत राजस्थान बन गया, अपना संयुक्त वरहत राजस्थान बन गया, देखो सबसे बड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त वरहत राजस्थान। फिर राजस्थान दिवस कब से मनाना शुरू किया गया था? राजस्थान दिवस आपको पता ही है, राजस्थान दिवस मनाते हैं ना अपना हर 30 मार्च को, तो वो 1949 में हुआ था 30 मार्च, चौथा चरण जो आपको मैंने बताया था ना, 30 मार्च 1949 के अंदर चौथे चरण में। फिर निमराना रियासत मत्स्य संघ में कब शामिल हुई थी? निमराना रियासत या इसको ठिकाना बोल दो आप, निमराना ठिकाना, ठिकाना था ये, है ना, तो फर्स्ट वाले में हुई थी ना ये, तो कब शामिल हुई थी? फर्स्ट वाली डेट क्या थी अपनी? 18 मार्च 1948। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल किया गया था? कुशलगढ़ ठिकाना कब हुआ था? किशन और कौशल, किशन और कौशल्या को देख कर झालावाड़ में ठोक डाला मेरी बीवी के प्रताप ने, है ना, तो ये दूसरा दूसरे चरण की ट्रिक थी अपने। तो दूसरा चरण कब कब हुआ था? उसकी डेट थी 25 मार्च 1948 को। ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा चरण देखिए, मतलब सॉरी, थेरवा क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किनको जाता है, किनको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया जाता है भाई साहब। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन अपना। निम्न में से दूसरे चरण में शामिल होने वाली रियासत कौन सी है? कौन सी है यहाँ पे आंसर बताओ आप मेरे को। भरतपुर, उदयपुर, कोटा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताओ इसके इसका जो आंसर है वो है आपका रियासत शामिल हुई थी दूसरे चरण में कोटा। ठीक है, भरतपुर हुई थी पहले में, उदयपुर हुई थी तीसरे में, ठीक है, दूसरे में कोटा हुई थी। इसकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ठीक, देखो ये वाली, मेरी बीबी के प्रताप ने किशन और कौशल्या को साथ में देखकर झालावाड़ में ठोक डाला, ठोक दिया। ठीक है, तो एक कोटा जो है ना, कौशल्या ये थी, है ना, कौशल्या को देखकर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत बढ़िया लगा होगा यार, है ना, बड़ी मेहनत लगी इस लेक्चर को बनाने के लिए, जो ट्रिक यूज में लिया हमने इस लेक्चर के अंदर वो मैं खुद की बनाई हुई थी, है ना, इनको बनाने के लिए बड़ा टाइम लगा, बड़ी मेहनत लगी इस वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो को आप ना शेयर करो दबा के, है ना, दबा के शेयर करो। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको यूट्यूब पे राजस्थान चरण से रिलेटेड आपको कोई ट्रिक नहीं मिलेगी, है ना, ये बड़ा आसान कर दिया आपके लिए ट्रिकों को याद करना। तो आशा करता हूँ आपको बड़ा पसंद आया होगा, इसको दबा के शेयर करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और लेक्चर मिलेंगे इस पर सब्सक्राइब करो ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़े और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ आपके लिए। तो चलो चलते हैं, अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।